नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको कई बार ऐसी दिक्कत होती है कि अपनी गैलरी के साथ में कि आपके जो गैलरी में फोटो है वो जल्दी से नहीं खुलते होंगे, या फिर जब आप स्वाइप करते हो तो काफी देर तक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके बाद जो है फोटो यानी लोड होता है, उसके बाद फोटो की क्वालिटी क्लियर होती है, उसके बाद आपको फोटो देखने को मिलता है, यानी कि 10-15 सेकंड का टाइम लग जाता है उस फोटो को खुलने में, और कई बार जो वीडियो होती है वीडियो प्ले होने में काफी टाइम लगता है, यानी जो गैलरी का एक्सपीरियंस है वो आपका खराब हो जाता है आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो अगर आपको भी ये दिक्कत होती है या फिर आप अपनी गैलरी को काफी बेटर बनाना चाहते हो, पहले से अभी एक नया लुक में अपनी गैलरी को देखना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों मेरा नाम सुरेंद्र, आप सभी का फिर से स्वागत है परियार ट्रेंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक नॉर्मल सी गैलरी यहाँ ओपन की हुई, जो कि मेरे को एंड्रॉइड फोन की तरफ से स्टॉक एंड्रॉइड की तरफ से जो गैलरी मिलती है वो यहाँ ओपन की हुई है मैंने, और एक नॉर्मल से जो हमको एक्सपीरियंस टाइम मिलता है, लेकिन जैसे मैं आपको फोटो ओपन करके दिखाता हूँ तो अभी फोटो जल्दी से ओपन हो रहा है लेकिन फोटो क्लियर होने में टाइम लग रहा है। आप देख सकते हो फोटो एकदम क्लियर आपको देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो टाइम लग ही रहा है। उसके अलावा अगर इसमें हम स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड शो होने में हमको जो है जूम आउट और जूम इन वाला एक्सपीरियंस मिलता है, तो इसमें होता है कि आपको फोटो आप पूरी तरह से उसको देख नहीं पाते हो, ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। उसके अलावा फोटो जो स्वाइप कर रहे हैं उसमें एक नॉर्मल से हमको दिखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया है कि स्टॉक गैलरी होती है वो कैसी होती है। अब आपको अगर आपकी गैलरी का लुक चेंज करना है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है क्विक पिक, काफ़ी छोटा सा ऐप है, क्विक पिक नाम का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वो सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, तो 2 या 3 MB का ऐप है तो जल्दी से ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने के बाद इसको आपको कोई रजिस्टर नहीं करना है, एक नॉर्मल से एक्सेस आपको मिलेगा, आपके गैलरी के सारे फोटोज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और आप जो भी फोटो है आप डायरेक्ट ओपन करके चेक कर सकते हो किस तरह से यहाँ देखने को आपको मिलता है। मैं आपको ओपन करके देखता हूँ, जैसे ये फोल्डर है इसमें फोटो आ रहे हैं, तो देखिए स्वाइप करने में हमको क्विक एक्सेस मिल रहा है, जल्दी से जो फोटो चेंज हो रहा है, वैसे इसका चेंज होने का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोडिंग हो रही है वो फोटो की जल्दी हो रही है, यानी कि जैसे कि ओपन करते ही फोटो सारे आ गए इसमें, और उसके बाद जो फोटो जो लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है, जो फोटो डायरेक्टली हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है इसकी, ठीक है। और उसके अलावा आपसे एक को फीचर है सिलेक्ट करने का फोटो को, यानी किसी फोटो हम क्लिक करके रखते हैं और स्वाइप करते हैं तो फोटो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कितनी आसानी से आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, जैसे कि आप करके जगह जैसे ये फोटो पर क्लिक करके रखा है, उसके बाद आप अपने फिंगर को जिस तरफ स्क्रॉल करोगे उस तरफ के सारे फोटो वो सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर, इस तरह से आप अपने फोटो और वीडियोस को आसानी से शेयर भी कर सकते हो किसी के भी साथ में सिलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद एक मोड का ऑप्शन मिलता है, आपको मोड में अगर आप जाओगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा ग्रिड और लिस्ट, तो आप अपने जो इसका ऑप्शन चेंज कर सकते हैं किस तरह से आप फोटो देखने, उसके अलावा फोटो सेलेक्ट करके हाइट पे जाते हो तो हाइट भी आप ऐसे कर सकते हो, उससे आपको फोटो छिप जाएंगे, और अनहाइड भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको पहले फोटो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा सारे ऑप्शन यहाँ पे जो रीनेम वगैरह है वो सब आप ऐसे चेक कर सकते हो और उसको यूज़ भी कर सकते हो अलग अलग काम के लिए। उसके अलावा साइड शो जो है, इसमें साइड शो में आपको एनिमेशन काफ़ी अच्छे मिलते हैं, अलग अलग एनिमेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें हमको जूम इन और जूम आउट का एनिमेशन मिल रहा था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी उसके साथ के फोटो हम पूरी तरह से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इसमें हम पूरी तरह देख पाएंगे। इसके अलावा इसमें आप और भी ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वाईफाई ट्रांसफर का एक ऑप्शन है, तो ये आप चेक कर सकते हो, इससे आप कोई फोटो और वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, जिसको भी शेयर करना है उसमें क्विक पिक का ऐप होगा अगर, तो आप इसकी मदद से आसानी से जो है फोटो और वीडियो शेयर कर पाओगे, ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है अगर कुछ भी शेयर करना है तो। उसके अलावा इसमें आप फ्रेंड फोल्डर बना सकते हो, उसके अलावा इसमें वाईफाई डायरेक्ट है, डायरेक्टली आप इसमें क्लाउड स्टोरेज आपको मिलता है, सेटिंग्स का ऑप्शन है वो सब आप चेक कर सकते हो, सेटिंग में आपको नॉर्मल सारी सेटिंग्स ही है। उसके अलावा आप इसमें थीम्स भी मिलती है, आप अलग अलग थीम्स इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा इसमें जैसे नॉर्मल गैलरी के अंदर कोई फोल्डर नहीं बना सकते, लेकिन इसमें अंदर आप फोल्डर बना सकते हो या फिर डायरेक्टली, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके अलावा मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ इसमें, यानी कि क्विक पिक जो है इसके अंदर इसका खुद का जो वीडियो प्लेयर है उसमें एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, तो हम देखते हैं कि इसका जो वीडियो प्लेयर है उसका लुक कैसा है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये वीडियो प्ले हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड किया था मैंने वो, तो इसमें देखिए फ्रेंड हम फिंगर को अगर स्वाइप कर रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है बहुत ही आसानी से, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके से, और जैसे कि MX प्लेयर में होता है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है स्वाइप आपको स्वाइप डाउन करके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं मिला। उसके अलावा आप बिना ही फोन को घुमाए डायरेक्टली इसमें जो स्क्रीन रोटेट वाला सिस्टम है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी इसी तरीके से अपने मोबाइल की जो गैलरी है उसको चेंज कर पाओगे, या फिर उसका एक्सपीरियंस है जो आपका अच्छा हो जाएगा, आपके जो फोटो है वो जल्दी ओपन होंगे, जल्दी से आप देख पाओगे और अच्छी क्वालिटी में भी आप देख पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डेली मिलती रहे। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग मेरे यार, तूने कीजो मेरे साथ शरारत रे, हो काजल की सिहाई लेके आंखों के चिराग से।
जागत।